हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग अभिलाषा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं और आपके यहाँ सिटी में लाइट आ रही है या नहीं आ रही? हमारे यहाँ तो सिटी में लाइट ही नहीं आ रही है, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान है। रात में खाना वगैरह बनाने में प्रॉब्लम होती है और घर में तो लाइट है ही नहीं, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब लाइट नहीं तो इन्वर्टर कहाँ से चार्ज होगा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। जब जनरेटर चलता है तो मोबाइल वगैरह तो चार्ज हो जाते हैं थोड़े बहुत, वो भी बस थोड़ा नॉर्मली ही चार्ज हो रहा है। और इतना अंधेरा है पूरे घर में, पूरी सिटी में ही अंधेरा है। मतलब कि जैसे कि हम आपको क्या बताएं, बाहर भी निकलो ना तो एकदम से इतना अंधेरा, इतना सन्नाटा। बस जो गाड़ी बाइक्स की लाइट है बस उसी से पता लगता है कि हाँ कोई जा रहा है, वरना पता ही नहीं चलता है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। अगर कोई अपना भी निकल जाए ना तो वो भी नहीं दिखता है, इतना ज़्यादा अंधेरा है। मेरा तो खाना ही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाएं। किचन में जाओ तो इतना अंधेरा, रूम में तो इतना अंधेरा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। बस दिन में जो भी काम हो जाए, नहीं तो पूरा दिन बेकार। पढ़ाई भी बेकार हो जा रही है और ना कुछ पढ़ने का है ना कुछ करने का है। लाइट नहीं, टीवी वगैरह मोबाइल सब ऐसे ही, मतलब सब कुछ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैंने थोड़ा जनरेटर जब शाम को चलाया तो मैंने थोड़ा मोबाइल वगैरह अपना चार्ज किया, सोचा क्यों ना एक ब्लॉग डाल दिया जाए लाइट पे। तो सब लोग अपना अपना कमेंट करिएगा कि आप लोगों की सिटी में क्या हुआ है, लाइट आई कि नहीं आई, अगर आई तो कितनी देर आई। फिलहाल हमारे यहाँ तो लाइट नहीं आ रही, तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ का कैसा माहौल है, कैसा अंधेरा है। तो आप लोग खुद देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि लाइट के बिना कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है। तो आप लोग समझेंगे इस बात को, तो हम भी परेशान और आप तो होंगे ही होंगे, और आल पब्लिक सभी परेशान है इस हड़ताल के चक्कर में ना। सबका बहुत नुकसान हो रहा है और बहुत ज़्यादा सब परेशान भी हो रहे हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। अपने घर का भी दिखाऊंगी और सिटी में का बाहर का भी मैं दिखाऊंगी कि लाइट के बिना लोग कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ पूछो मत, कुछ दिख ही नहीं रहा। पहली बात तो लोग तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं और लोगों के घर में भी काफ़ी अंधेरा है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं बाहर का माहौल। गाइस देखिए घर की क्या हालत हो गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। देखिए ये हो गया, लाइट ना आने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये देखिए हमारे घर में ना अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। भैया दीदी कुछ बना रही हो, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? किचन में देखेंगे क्या। अरे आप तो दिख ही नहीं रही हो, टार्ची टार्ची दिख रही हो और आप कहीं नहीं दिख रही हो। क्या कुछ नजर ही नहीं आ रहा है? खाना की छुट्टी ऐसे ना करो भैया, खाना आना ना छुट्टी करो। छुट्टी आज लाइट ही नहीं तो भैया गैस आज दिख रही कहीं पे? कुछ दिख रहा है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाया जाएगा यहाँ पे। हाँ भैया आगे बढ़ो, घबराओ नहीं। कुछ नहीं, बस ऐसा करो ब्रेड मंगाओ आराम से खा लो। यार ये हालत है घर की, यार दिख रहा कुछ तो दिख नहीं रहा। चलो ऑटो निकलो यहाँ से बाहर। अरे नहीं, अरे आओ किचन में देख तो ले कहीं कुछ शायद दिख जाए, खाने पीने की व्यवस्था बन जाए कुछ। गुजिया निकल खा लो गुजिया। सही है, देखो भैया गुजिया खा लो, क्या कहते हैं उसे मंगा लो वो ब्रेड रेड पैकेट उसे खा लो। अरे भैया कितना अंधेरा, ऐसा लग रहा जैसे कुछ अच्छा ही लग रहा। देखो तो यार खाने पीने चीजों पे टॉर्च मारो, दिखाई दे कुछ खाने के लिए। बर्तन देखो ये है। अरे बर्तन तो दिख गए पानी पीने के लिए। और ठीक है किचन में देखो ये दिख रहा है क्या, ऐसे के अंदर है गुजिया उजिया रखी निकाल अलमीरा में। हाँ अलमीरा में निकाल लो फटाफट। अरे भैया दिखे तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। हाँ। तो पकड़ो फिर तुम तो छोड़ो वहां से, अब रुक जाओ थोड़ी देर बाद बनाएंगे, कुछ देखते हैं क्या करना है। अरे भैया क्या हालत है। अरे काम गाइस तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपनी गैलरी से बाहर जा रही हूँ बालकनी से, तो आप देखिए कि कितना अंधेरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी कहीं कुछ नहीं जल रहा है, अजीब सा लग रहा है। बाहर रोड की देखिए क्या हालत हो रही है, बस जो बाइकें निकल रही सिर्फ उन्हीं से ही लाइटिंग पता चल रही है, और वरना लाइटिंग कहीं नहीं पता चल रही है। बस थोड़ा जिसका इन्वर्टर वगैरह कुछ चार्ज हो तो भाई जल जाए, वरना पूरे जो जहाँ पे मैं रहती हूँ मार्केट में वहाँ का बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल खाली सा पड़ा है। यहाँ की शॉप वगैरह भी बहुत जल्दी सब बंद हो गई हैं, जैसे अंधेरा होता है वैसी सारी शॉपें बंद हो जाती है, क्योंकि वही लाइट नहीं है तो फिर कोई काम ही नहीं है। तो सब लोगों का बहुत लॉस हो रहा है इस तरीके से, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। और जो वैसे लोग घूमते रहते हैं, फालतू बच्चे खेलते रहते हैं, लोग भी दस बार मार्केट घूमने जाते हैं, वो सब कुछ बंद हो गया है।
सिर्फ अगर रह गया तो बस जिसका ज़रूरी काम है, जिसका बाइक से काम है बस वही जा रहे हैं, जिसको अपना अर्जेंट कुछ करना है, वरना सब ऐसे ही हो रहा है। और एकदम से जैसे जब लाइटिंग रहती है तो कितना अच्छा लगता है, लोग घूमते हैं, मार्केट करते हैं, शॉपिंग करते हैं, पूरा फुल एंजॉय करते हैं नाइट में, लेकिन वो सब कुछ अब दो तीन दिन से नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जब लाइट नहीं है ना तो सब कुछ फीका हो गया, सब कुछ बेकार हो गया, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और देख तो रहे हैं आप कि कैसा लग रहा है, ये तो है कि मेरा जो घर है ना वो सिटी में है, मार्केट में है, तो इतना पता भी चल रहा है। जिन लोगों का गाँव में होगा ना उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। सिटी की वजह से थोड़ा बहुत तो ये गाड़ियों की लाइटिंग से ही पता चलता है कि चलो हाँ कुछ तो है, थोड़ी आवाज़ें आती रहती हैं तो थोड़ा अच्छा सा लगता है, और वरना तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगे। और मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि जो लोग गाँव में हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, कैसे क्या चल रहा होगा उनके यहाँ, तो एकदम से सन्नाटा होगा, अंधेरा होगा, कैसे रह रहे होंगे बोलो। लाइटिंग की हड़ताल देखो ना, फालतू में ही हड़ताल कर दी है, और उस हड़ताल की वजह से कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, आल पब्लिक कितना परेशान हो रही है, लोगों का काम रुका है, नेट पे जो लोग अपना वेबसाइट पे वर्क करते हैं उन सब का रुका पड़ा है, सबको दिक्कत हो रही है, जो लोग अपने मोबाइल से वर्क करते हैं, जो लोग कंप्यूटर पर करते हैं, लैपटॉप पर करते हैं, सब लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है। तो इतना ज़्यादा अंधेरा, इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी होने की वजह से लोग इतना ज़्यादा तंग आ गए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो मतलब लगता ही नहीं है कि हम लोग क्या करें क्या ना करें, यहाँ का कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप लोग देखिए मेरा घर वैसे कितनी अच्छी जगह पे बना है, लेकिन फिर भी ये देखिए आप, एक लाइट ना आने की वजह से कितना बेकार लग रहा है, लेकिन फिर भी टाइम है, कटना तो है ही, और क्या करें, बस एक वेट है कि लाइट आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, तो देखते हैं कब आती है कब क्या होता है। दो दिन हो चुके, 72 घंटे क्रॉस हो चुके हैं, लाइट या कहीं भी पता नहीं है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं तो, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी रुक सी जा रही है लाइट के बिना, कुछ भी दिखता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, टाइम पास भी नहीं होता, ना मोबाइल ना टीवी ना पंखे, कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, बस बैठे रहो पूरा दिन, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इसके। तो अब लाइट आए भाई, सब लोग प्रयास करो कि भाई लाइट आ जाए, लाइट नहीं आती ना तब तक ऐसा ही रहेगा। तो गाइस आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए और आप बताइए कि आप लोग को क्या क्या दिक्कतें हुई।